10 अप्रैल को बिहार कारा हस्तक, बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सरकारी सेवक की हत्या के दोषी के रिहाई मामले में अब एक साधारण हत्या मानी जाएगी, यानी ऐसे दोषियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सजा पूरी होने के बाद स्वतः सामान्य रिहाई के प्रावधानों के तहत रिहाई हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ अब आनंद मोहन को मिलेगा और पूरी सजा पूरी कर चुके आनंद मोहन अब जेल से रिहा हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आनंद मोहन के समर्थकों के लिए खुशखबरी है, आनंद मोहन के परिवार के लिए खुशखबरी है। एक खुशखबरी हम आपको बता चुके हैं कि आनंद मोहन 15 दिनों की पैरोल पर बाहर आए हैं, जेल से बाहर आए हैं। और एक खुशखबरी और हम बता चुके हैं कि पहले बिटिया की सगाई हुई, उसके लिए आनंद मोहन को पैरोल मिली। बिटिया की शादी हुई, उसके लिए आनंद मोहन की पैरोल मिली। तो लगातार आनंद मोहन के घर में खुशियां आती रही हैं, खुशी का मौका रहा है, पैरोल भी, शादी सगाई भी। और अब उनके बड़े बेटे चेतन आनंद, जो आरजेडी के विधायक हैं, उनकी भी शादी होने जा रही है। सगाई पहले होगी, उसके बाद शादी होगी। सगाई के लिए पूर्व सांसद आनंद मोहन को जेल से 15 दिनों की पैरोल मिली है, जेल से बाहर आए हैं। तो जाहिर है उनके समर्थकों ने खूब जश्न मनाया है, लेकिन ऐसा लगता है आनंद मोहन के समर्थक जो सालों से चाहते रहे हैं, आनंद मोहन और आनंद मोहन का परिवार जो सालों से चाहता रहा है, और खुद आनंद मोहन से हमारी बात हुई थी जब पिछले बार वो पैरोल पर बाहर आए थे, उन्होंने कहा था हमसे सिटी पोस्ट लाइव से कि उन्हें भरोसा है कि वो उनकी अस्थायी तौर पर रिहाई हो जाएगी। हमने ये पूछा था कि पैरोल पर आप बार बार बाहर तो आ रहे हैं, अस्थायी रिहाई आपके समर्थक चाहते हैं, अभियान भी चलाते रहे हैं, कब होगी? अब शायद वो वक्त आ गया है कि आनंद मोहन अस्थायी तौर पर जेल से रिहा हो जाएंगे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले की वजह से माना जा रहा है कि आनंद मोहन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आनंद मोहन अब आसानी से जेल से रिहा हो जाएंगे। आनंद मोहन की रिहाई में जो अड़चन थी, नीतीश कुमार ने उसको खत्म कर दिया है। मामला यह है कि 10 अप्रैल को बिहार कारा हस्तक, बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सरकारी सेवक की हत्या के दोषी के रिहाई मामले में अब एक साधारण हत्या मानी जाएगी, यानी ऐसे दोषियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सजा पूरी होने के बाद स्वतः सामान्य रिहाई के प्रावधानों के तहत रिहाई हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ अब आनंद मोहन को मिलेगा और पूरी सजा पूरी कर चुके आनंद मोहन अब जेल से रिहा हो जाएंगे। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। 2007 में इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन 2008 में हाईकोर्ट की तरफ से ही सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। उनकी 14 साल की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन लोक अभियोजक की हत्या के कारण आनंद मोहन जेल से रिहा नहीं हो पा रहे थे। अब नीतीश कुमार ने उनकी रिहाई की राह में बाधा बन रहे नियम को ही समाप्त कर दिया है। तो जाहिर तौर पर आनंद मोहन के समर्थकों में एक बार फिर खुशी होगी, क्योंकि आनंद मोहन अब अस्थायी तौर पर जेल से रिहा हो जाएंगे, रिहाई उनकी हो जाएगी। नीतीश कुमार ने एक तरह से बड़ी मदद ही कर दी है, या नीतीश कुमार ने नियम में अगर बदलाव किया है तो इसके सबसे पहले हाई प्रोफाइल जो लाभार्थी होंगे आनंद मोहन ही होंगे। आनंद मोहन को इसका लाभ मिलेगा, उनकी रिहाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।